जब जीबी पंत चीफ मिनिस्टर थे तो उस जगह पर 500 साल तक मुसलमान नमाजें पढ़े। कांग्रेस के जीबी पंत मुख्यमंत्री थे, रात के अंधेरे में उसमें मूर्तियां रख दी गई। मेरी मस्जिद थी, है और रहेगी, उन्हों मूर्तियां नहीं निकाले। और फिर वहां पे कलेक्टर थे जिनका नाम था नायर, नायर साहब मस्जिद बंद करा के वहां पर पूजा शुरू कर दिए। और 1950s में नायर साहब जनसंघ के पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, फिर 1986 में लॉक्स खोले गए बगैर मुसलमानों को सुने, बूटा सिंह शिलान्यास कर दिए। 6 दिसंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट को ये वादा करके बीजेपी संघ परिवार बाबरी मस्जिद को डिमोलिश कर दिए, शहीद कर दिए। और बीजेपी के पास ये मुद्दा कब आया, आपको मालूम, आप लोग मालूम बीजेपी कब उठाई? 1989 में पालनपुर में बीजेपी रेजोल्यूशन पास करी। विश्व हिंदू परिषद जब फॉर्म हुई, जब तो राम मंदिर नहीं था, महात्मा गांधी बोले क्या? महात्मा गांधी इस बारे में बोले, उन्होंने तो बहुत बड़े, उन्होंने तो हे राम बोल के मारने वाला गोली मारा उनको, वोट से उनके जबान से ही तो निकला था, वो बोले क्या? नहीं बोले। तो ये पूरा एक सिस्टमेटिक तरीके से भारत के मुसलमानों से ये बाबरी मस्जिद को छीन लिया गया। सुप्रीम कोर्ट का यकीनन फैसला है, सुप्रीम कोर्ट हमारे मुल्क की आखिरी एपेक्स कोर्ट है, टाइटल सूट था, तो टाइटल सूट में सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि फेथ की बुनियाद पर हम ये जगह मुसलमानों को नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ये भी कह दिया कि वहां पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा उस जजमेंट में। और मैंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद ये रिएक्शन आपको मीडिया को दिया था कि एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे, उनका नाम जस्टिस जेएस वर्मा नाम था, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल, ये उन्होंने कहा था, मैं फिर से कह रहा हूं। और मैंने उस वक्त ये कहा था कि ये जजमेंट आने के बाद ऐसे कई मुद्दे खुल जाएंगे, जिसको अंग्रेजी में बोलते पेंडोरा बॉक्स विल बी ओपन। और आज आप देख रहे हैं कि हर जगह पर संघ परिवार जाकर यह बोलता है कि नहीं, यहां पर मस्जिद नहीं थी। ये मेरा मानना है, ये मेरा बोलना है, हम ये बोल रहे हैं। अगर जीबी पंत मूर्तियां हटा देते तो क्या आज ये दिन देखना पड़ता हमारे को? अगर 1986 में ताले नहीं खोले जाते तो क्या आज ये दिन आता? क्या अगर 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद डिमोलिशन नहीं होता तो क्या ये दिन देखना पड़ता? ये सवाल है हमारे, इसका जवाब कोई दे ही नहीं रहा है। और फिर ऊपर से जो अपने आप को सेकुलर बोलते हैं वो बोल रहे हैं कि दिल्ली का मुख्यमंत्री और जो अलायंस में है, हम त्योहार ट्यूसडे को सूरजकंड पार्क और हनुमान चालीसा स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाएंगे। गवर्नमेंट स्कूल का कोई रिलीजन होता है क्या? हाँ, अभी तो सबका झगड़ा चल रहा है, क्या झगड़ा है ये? झगड़ा क्या है? अगर मोदी नहीं रहते तो हम भी चले जाते। हम उन सबसे पूछ रहे कि बताओ, ये जो मैं बातें कर रहा हूं, तीन इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स बोल रहा हूं, जीबी पंत जब चीफ मिनिस्टर थे 1986, 6 दिसंबर 1992, इस पर क्या बोलना है आप लोगों का? बोलो, कोई नहीं बोलता। इसलिए नहीं बोलता क्योंकि सबको मेजोरिटी कम्युनिटी के वोट्स को हासिल करने का झगड़ा है। और नरेंद्र मोदी ये काम करके मेजॉरिटी वोट्स को कंसोलिडेट करना चाहते हैं और इससे एक पैगाम दे रहे हैं भारत के मुसलमानों के कि आपका भारत की पॉलिटिक्स में आपका क्या मुकाम है, आपकी प्लेस क्या है, ये बताया जा रहा है।